पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई विआह पन्नति भगवती सूत्र में एक प्रश्नोत्तर किया गया है। जीवे ऋणम भन्ते असंजये अविरये अपरिहय पच्चखाय पावकम्मे इओ चुए पेच्चा देवेशिया। एक प्रश्न किया गया है कि भगवन ये कई प्राणी हैं, मनुष्य भी हैं, त्रियंच भी हैं, जो असंयत हैं, कोई दिन के संयम नहीं है, त्याग प्रत्याख्यान विरति ऐसा कुछ नहीं है, अविरत हैं, और ये अवृत्ति हैं, असंयमी हैं, कोई पाप करने का प्रत्याख्यान नहीं ले रखा है, तो ऐसे जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो मरने के बाद क्या वे देव बन सकते हैं, क्या वे देवगति में जा सकते हैं? यह प्रश्न किया गया है कि इनके जीवन में कोई धर्म नहीं है ऐसे, यानी कोई नियम त्याग संयम कुछ नहीं, असंयमी हैं, अवृत्ति हैं, मिथ्यात्वी हैं, पर ऐसे मनुष्य भी हो और पंचेंद्रिय त्रियंच भी हों, तो त्रियंचों मनुष्यों ये मरकर के देवगति में जा सकते हैं, यानी देव बन सकते हैं क्या? यह प्रश्न किया गया तो उत्तर दिया गया, गोयमा अथे गये देवेशिया, अथे गये नो देवेशिया, कि गौतम इनमें से कुछ कुछ तो देव बन सकते हैं, कुछ कुछ देव नहीं भी बन सकते हैं। तो वापिस पूछा गया कि भगवान यह कैसे है यह बात कि कुछ तो देव बन सकते हैं कुछ नहीं बन सकते हैं, क्या कारण है इसका? उत्तर दिया गया, गोयमा जे इमे जीवा गामा गर नगर निगम राय हानि खेड़ कब्बड़ मडम्ब दोणमु पट्टणा समसन्निवेशेषु अकाम तन्हाये अकाम छुहाये अकाम बम्बचेर वासेणम अकाम सीता तव दंस मसग अन्नानग सेय जल मल पंक परिदाहेणम अपतरंगवा भुज तरंगवा कालम अपानम परिकिले संति परिकिले सित्ता कालमासे कालम किच्चा अन्नयरेशु वाणमंतरेशु देवलोगेशु देवत्ताये उपवत्तारो भवन्ति। कि गौतम देखो ये कई ऐसे जीव हैं, यानी जैसे मनुष्य भी हैं, ये गांवों में नगरों में राजधानी में ऐसे विभिन्न स्थानों कोई आश्रम में सन्निवेश में रहते हैं। ये हम जैसे मनुष्य की बात कर लें, जगह जगह मनुष्य रहते हैं, कोई उनके जीवन में त्याग संयम कुछ नहीं है, कोई हिंसा का त्याग नहीं, झूठ का त्याग नहीं, चोरी का त्याग नहीं, कोई त्याग नियम कुछ नहीं, सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे भी मान लो कोई हैं कि नहीं हैं, कि ऐसे लोग हैं, त्रियंच भी हो सकते हैं। अब ये जो लोग हैं उनके निर्जरा हो जाती है कईयों के, अकाम तृष्णा अकाम सुधा अकाम ब्रह्मचर्य वास अकाम सीता तप दंश मशक आदि, कब ये हैं वे अकाम निर्जरा कर लेते हैं। जैसे अब धूप में खड़े हैं मजदूर लोग, काम कर रहे हैं, अब उनको खाना भी टाइम पर नहीं मिला, लेट मान लो खाएंगे, भूख भी लग गई है, भूख सहन कर रहे हैं, धूप में प्यास लग गई है, प्यास को सहन कर रहे हैं, कहीं सर्दी में सर्दी सहन करते हैं, और कहीं मच्छर आदि उनको काट रहे हैं, खेतों आदि में मच्छर जीव काट लेते हैं, वो काट भी रहे हैं,
सर्दी गर्मी आदि को वो सहन करते हैं, पसीना उनके आ रहा है, शरीर में मैल सा हो जाता है, उनको तकलीफ पड़ रही है शरीर में, फिर भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम में लगे हैं। परिवार से दूर कई लोग परिवार से दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, परिवार साथ में नहीं है। अब जैसे हम कल्पना कर लें संभावित रूप में, अब सेना में कितने लोग भर्ती हैं, मान लो वो सीमा पर तैनात खड़े हैं, परिवार से भी दूर हैं, सेना में भी भर्ती हैं, परिवार से दूर है, सीमाओं पर वो तैनात हैं, सन्नद्ध हैं। अब कभी सर्दी में वो जाते हैं, सर्दी में अपनी ड्यूटी में रहते हैं, कहीं गर्मी में ड्यूटी में रहते हैं, परिवार पास में है नहीं, खाने पीने का पूरा पता नहीं, कभी मोड़ा मिला कर नहीं मिला, कभी भूखे रह गए, कभी प्यास भी सहन कर लेते हैं, तो ये कष्टों को झेलते हैं। परंतु इनका लक्ष्य कोई साधना नहीं है, इनका लक्ष्य कोई मोक्ष प्राप्ति कोई नहीं है, पर वो सहज भाव से कष्ट उनको आते हैं। अब सेना में भर्ती हैं तो कब कहाँ जाने का उनको मौका मिल जाए, महीनों तक ही वापिस वहीं रहना होता है, मान लो कोई परिवार साथ नहीं है, परिवार से दूर है, और कहीं पहाड़ों में जाओ, कभी ऊपर चढ़ो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सर्दी में भी खड़े रहो, वहाँ पर ड्यूटी में खड़े रहो तो सर्दी सहन कर लेते हैं, धूप में गर्मी में जाओ, वहाँ ड्यूटी में रहो तो वहाँ गर्मी में रह जाते हैं, वहाँ और भी प्राणियों के और के कष्ट आ सकते हैं, सहन करते हैं। कि ऐसे ये लोग हैं जिनमें कोई मोक्ष की धर्म की वो भावना नहीं है, पर वो कष्टों को सहन करते हैं, अनायास उनके संयम हो जाता है, दिनों तक वे स्नान भी नहीं करते हैं, बिना स्नान रह रहे हैं, तो शरीर में खुजली हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, चलता है उनके शरीर में। तो ये जो सहन करते हैं, सहज में संयम, परिवार से दूर है, सहज में संयम भी उनका हो रहा है, तो यह जो अकाम मोक्ष की इच्छा के बिना सहजतया जो वो संयम रख लेते हैं, सहन कर लेते हैं, इनसे उनके कर्म निर्जरा हो जाती है, अकाम निर्जरा हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ये कई पशुओं में देखें हम, अब ये भैंसा है, भैंसा गाड़ी में जुता हुआ जाता है, कभी टाइम पर खाना मिले कि नहीं मिले, एक भार लदा हुआ है, सहन कर रहे हैं बेचारे। ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है, अपनी ड्यूटी में है, खाना पीना मिल गया नहीं मिला, और भी सहन करना, कभी मार भी सहन करनी पड़ सकती है, तो ये प्राणी भी सहन करते हैं। तो मजदूरों में देख लें, सैनिकों में देख लें, और भी कई जो ये नौकर चाकर हैं, अपने गांव से दूर कहीं रहते हैं, नौकरी करते हैं, सहन करते हैं, जैसा तैसा स्थान मिला वहाँ रह जाते हैं, तो वो भी सहन करते हैं। तो ये मनुष्यों में भी पशुओं में भी ये प्राणी हैं, तो इनके अकाम निर्जरा हो जाती है। इस अकाम निर्जरा के कारण से फिर वे देवगति के आयुष्य का बंद कर लेते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे ये प्राणी हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, वे मरकर के बान मंत्र गंत्र देवगति में पैदा हो जाते हैं। देवों के चार प्रकार हैं, भवनपति, गंतर, ज्योतिषिक, ज्योतिष और वैमानिक। तो ऐसे कई ये मनुष्य पशु त्रियंच हैं जो अकाम निर्जरा करते हैं, वे मरकर के बान मंत्र गंतर जाति के देवों में पैदा हो सकते हैं। ये देवों की आसाधना किसी की भी न हो, गंतर जाति के देव हैं वो बहुत कोई ऊंची कोटि के देव नहीं है, ऊंची कोटि के नहीं है, गंतरों में भूत यक्ष आदि आदि ये गंतर जाति के देव होते हैं, फिर भी हैं तो देव, देवगति में हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, जो अकाम निर्जरा करते हैं, सहन करते हैं, और यह भी कल्पना कर लें कि ज़्यादा कोई पाप भी नहीं करते, मजदूर है, सैनिक है, ज़्यादा कोई जिंदगी में पाप नहीं करते हैं, सामान्य सा जीवन है, पर साथ में अकाम निर्जरा करते हैं, तो इस कारण से ज़्यादा पाप तो है नहीं, अकाम निर्जरा हुई है,
आखिर कहाँ जाएंगे? बहुत ही ज़्यादा पाप करे तो मानो नरक में चला जाए या त्रियंश गति में कोई चला जाए, इतना पाप भी नहीं करते हैं, साथ में अकाम निद्रा होती है, इस कारण से वे देवगति में, और यहाँ उल्लेख है बान मंत्र देवों में वे पैदा हो जाते हैं। देवगति में पैदा होने के चार कारण बताए गए हैं कि सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा। तो अब ये जो सामान्य लोग हैं, मजदूर या जो भी है ऐसे सहन करने वाले, ये कोई सराग संयम तो साधु वाला तो संयम इनमें है नहीं, संयमा संयम श्रावक वाला भी उनमें नहीं है, क्यों? बहुत मिथ्यात्वी जीव हैं तो श्रावकत्व भी नहीं है। अब इनके वो अकाम निद्रा, ये बाल तप से अलग से, मतलब कोई तपस्या करे वो भी नहीं है इतनी। तो ये अकाम निद्रा जो एक कारण है चार कारणों में, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निद्रा, ये अकाम निद्रा एक कारण बनता है देवगति के आयुष्य के बंध का। तो इन मनुष्यों में, त्रियंचों में, यह एक कारण जो है चार में से अकाम निद्रा वो कारण बनता है और वे बाण मंत्र देव में जाकर के पैदा हो जाते हैं। तो यह सहन करने से और सहज में संयम हो जाने से वो साथ में पुण्य का बंध मान ले, निर्जरा है तो साथ में पुण्य का बंध, या तो अकाम निर्जरा ही कहा गया है तो हम समझने में यह ले सकते हैं कि अकाम निर्जरा है और वो साथ में पुण्य के बंध की भी संभावना की जा सकती है। तो आखिर वे देवगति में पैदा हो जाते हैं। तो इससे एक यह निष्कर्ष निकलता है कि जो सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे विशेष नहीं भी हों, पैसे वाले भी नहीं हैं, सामान्य हैं, तो ऐसे लोग भी देवगति का आयुष्य बंद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पाप जिंदगी में है नहीं, अकाम निर्जरा होती है। इसलिए जो मजदूर वर्ग है, इतना बड़ा, इतने मजदूर होते हैं, अगर उनका खान पान मान लो खराब नहीं है, ठीक है, मोटा मोटी जीवन ठीक है, तो साथ में ये अकाम निद्रा होती है तो देव आयुष्य बंद की संभावना बन सकती है। ये सैनिक लोग हैं, मान लो ये जगह जगह जाते हैं, पहाड़ों में, सर्दी में, गर्मी में, कहीं तैनात होते हैं, सहन करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, परिवार से मिलने का मौका नहीं मिला, वो भी तो संयम सहज में हो गया, परिवार से बिल्कुल दूर हैं, और वैसे व्यक्तिगत कोई जिंदगी में ज़्यादा पाप भी नहीं है, वो देश की सेवा के लिए अपने आप को उस महकमे में उन्होंने जोड़ा है कि भी देश की सेवा करें, तो सैनिक बन गए हैं। तो हो सकता है ऐसे जीव हैं वो मर करके देवगति में चले जाएं, चाहे देवगति सामान्य मिले, तो ऐसे जीव, ऐसे ये जो पशु, जो घोड़े, हाथी, बैल, गधे, भैंसे हैं, तो ये लोग भी, ये प्राणी भी ज़्यादा पाप नहीं करते हैं, अकाम निद्रा होती है, तो ये भी देवगति में जा सकते हैं। तो इसलिए मनुष्यों से भी ज़्यादा संगी, मनुष्यों से भी ज़्यादा संख्या में देवता होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे प्राणी देवगति में जाकर पैदा हो जाएं। तो इस आगम की इस वाणी से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये जो धर्म को नहीं जानने वाले लोग हैं, पर जीवन में सात्विकता है, अकाम निद्रा होती है, तो वे ऐसी देवगति में जाकर के पैदा हो सकते हैं। सहन करना है कि आदमी सहन करे। अब उपवास होता है, मान लो अब उपासक लोग भी बैठे हैं, उपासक श्रेणी के हैं, उपवास को निद्रा में लिया गया है, अनशन को, निद्रा के भेदों में अनशन है। तो प्रश्न होता है, उपवास में तो त्याग किया है, खाने का त्याग किया, वो तो संबर होना चाहिए ना, वो निद्रा में कैसे गया? वो तो संबर है, अभी खाने का त्याग है मुझे, श्रावक ने त्याग किया तो वो तो व्रत हो गया ना, खाने का असंयम का त्याग कर दिया है, साधु ने मैं त्याग किया तो उसके भी संयम बढ़ा है ना, कि आज खाना नहीं खाना है, वो तो संबर हो गया, संयम हो गया, वो निद्रा कैसे हुई?
आचार्य भिक्षु ने फरमाया है, लिखा है या बताया है कि ऐसे तो वो संबर की चीज़ होती है, पर साथ में भूख लगती है, प्यास लग, उसको सहन करते हैं तो निर्जरा होती है। इस अपेक्षा से उपवास आदि अनशन को निर्जरा के भेदों में डाला गया है। तो ये सहन करना होता है। अब एक कारण यह भी ग्रंथ में बताया गया है कि ये किसी के बीमारी हो जाती है, कहा कि लंबे काल तक कोई बीमार रह गया आदमी, मान लो कोई वैसे कोई धार्मिक नहीं पर बीमारी हो गई, अब बीमारी को बेचारा झेल रहा है, लकवा हो गया, बरसों तक लकवा की स्थिति है, पड़ा है खटिया पर, कोई बिठाते हैं, कभी कुछ खुद बैठ जाए, चलने में दिक्कत है, प्रवश हो गया है, अब कष्ट भी पाता होगा, अब बरसों तक यूँ जिंदगी निकालता है, ऐसे दीर्घकालीन ये रोग हैं उनको जो झेलता है, एक ग्रंथ में कहा गया ऐसा व्यक्ति भी देवगति का आयुष्य बंद कर सकता है, वो ज़्यादा पाप तो नहीं कि यार इतना सहन कर रहा है, तो वो भी मरकर देवगति में पैदा हो सकता है। तत्वार्थ राजवाचक में ऐसा बताया हुआ, इसमें उल्लेख किया गया है। अब जो बात है कि असंयमी है उसकी बात है, अगर कोई सम्यक दृष्टि वाला है, सम्यक दृष्टि वाला मनुष्य है, वो बाण मंत्र में सम्यक दृष्टि अवस्था में आयुष्य का बंद करेगा, वो बाण मंत्र में पैदा नहीं होगा, वो तो वैमानिक में जा सकेगा। तो इसलिए ये जो बात शास्त्र में वो मिथ्यात्विक व्यक्ति की बात है, मिथ्यात्वी लोग हैं वो ऐसे काम निर्जरा करके बाण मंत्र देव के रूप में उपपन्न हो सकते हैं। जो सम्यक्त्व अवस्था में है, सम्यक्त्व अवस्था में न तो नरक गति का आयुष्य बंद होगा, न त्रियंश गति का आयुष्य बंद होगा, और न स्त्री वेद में का बंद करेगा, न नपुंसक का बंद करेगा, न भवनपति का करेगा, न वाण यंत्र का करेगा, न ज्योतिष का करेगा। तो तीन तो वे टल गए, भवनपति, वाण यंत्र, ज्योतिष, तीन टल गए, दो नरक और त्रियंश टल गए, पांच और दो स्त्री और नपुंसक टल गए, यूँ सात चीज़ों का वर्जन हो जाता है अगर सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंद होता है। तो सम्यक्त्व की तो ऊंची बात है, पर मिथ्यात्वी हैं वे भी बाण मंत्र जैसी देवगति में पैदा हो सकते हैं, ऐसे अकाम निर्जरा का कारण मिल जाने पर। मिथ्यात्वी भी सहन करके इतना अपना ऊंचा स्थान बना लेता है, तो सम्यक्त्वी होकर के सहन करे फिर तो कहना ही क्या, सम्यक्त्वी अवस्था में है फिर सहन करे फिर तो बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। कि सम्यक्त्व के बिना भी लाभ है, बिना सम्यक्त्व के भी ये अकाम निर्जरा से देवगति में जाते हैं, तो सम्यक्त्व है फिर ये सहन करते हैं, वो तो कितना ऊंचा अपना स्थान यानी कितना लाभ धर्म की दृष्टि से कमा सकता है। इसलिए जयाचार्य ने जो आराधना में कहा, ही वे सम्यकित चारित दोनों गुण पा वेदन समर्पण सया लाभ सवा भावे भाव। तो सम्यक्त्व भी है, चारित्र भी है, फिर वेदना को सहन करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिल सकेगा, क्यों सम्यक्त्व चारित्र की अवस्था में सहन करो निद्रा का अच्छा लाभ मिल सकेगा और अगली गति भी अच्छी हो सकेगी। तो इस सूत्र का एक निष्कर्ष यह है कि यह सहन कर लेना यह एक लाभदायी तत्व होता है। आदमी अनुकूलता प्रतिकूलता जहाँ तक संभव हो सके शांति रखे, सहन कर ले, अशांति में न जाए, अधीर न बने, और
एक तो मजबूरी में सहन करना पड़े, एक स्वयवस्था में आदमी सहन कर ले, तो वो और भी कितनी बड़ी बात होती है। अब जैसे गर्मी पड़ती है, अब गर्मी में हमारे चारित्रात्माएं हैं, अब धूप में विहार करते हैं, धूप है 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर का विहार है, शाम को फिर विहार है, बोझ भी मान लो कंधे पर लो फिर चलो, आगे जाने के बाद भी स्थान अनुकूल मिला कभी नहीं भी मिला, वहाँ जाके रहो फिर आगे उठा पटक फिर आगे चलना। तो जब गर्मी सहन करते हैं, धूप में चलना पसीना पसीना होता रहता है, चलते हैं, फिर प्यास लग जाए कि 7-8 किलोमीटर आ गया, आगे पानी पीना नहीं है, अभी चलना और है आगे, तो 6-7 किलोमीटर फिर और आगे बिना पानी पिए चलना है, तो प्यास को भी सहन करना पड़ सकता है। तो ऐसे सहन करते हैं, और मान लो रात में फिर प्यास लग गई, शाम को पानी पिया था सूर्यास्त से पहले, रात को गर्मी है तो फिर प्यास लग गई, उसको भी सहन करते हैं, तो कितना निर्जरा का। अब संबत श्री सामने है, लोच हो रहे हैं, संतों के मैंने देखा कईयों के लोच हो चुके हैं, शादियों में भी लोच का क्रम शुरू हो गया, होने वाला जो भी है लोच, अब लोच कराते हैं तो ये केस लो ओ ये दारुणो, अब लोच को सहन करते हैं, बाल हाथों से लिए जाते हैं, फिर संतों के दाढ़ी मूछ के भी बाल लिए जाते हैं, मूछ के बाल देखो ये कोमल स्थान, यहाँ से बाल को यूँ लेना, वेदना तो बहुत संभव है, दाढ़ी के मूछ के खासकर मूछ के बालों को जाए, फिर सिर के भी बाल होते हैं उनको लेना पीछे की ओर के, तो कष्ट तो संभव है। अब उस कष्ट में अगर शांति है समता है तो कर्म निर्जरा की बात हो सकती है। तो एक साधु जो संयमी है, चारित्री है, सम्यक्त्वी है, वो इन उपसर्गों को परिसरों को कष्टों को कठिनाइयों को शांति से झेलता है, फिर कोई आक्रोश नहीं गुस्सा नहीं, शांति एकदम शांति प्रसन्नता है, आहार भी मान लो मन के अनुकूल कभी नहीं मिला कोई बात नहीं है, उसमें संतोष है, फिर चलते चलते ही पोर्सी कर ली कि आज तो पोर्सी करेंगे, पानी भी नहीं पीना सुबह, तो चलते रहो बिना पानी चलते रहो। तो एक तो गर्मी, रात को पानी पिया बिना पिए रहे, अब पोर्सी और कर ली, तो यार पोर्सी कर ली, और प्यास किसी को लग जाए तो सहन करते हैं, तो कितनी निर्जरा हो सकती है। तो यह निर्जरा ऐसा तत्व है कि तो अपनी निर्जरा होती रहे। अब अपने काम हैं, मान लो अब साधु लोग हैं, अब धूप में फिर गोचरी जाते हैं, मान लो व्याख्यान हुआ उसके आसपास मान लो गोचरी जा रहे हैं, तावड़े में जा रहे हैं, गोचरी बोझ भी लेके आ रहे हैं, कोई पानी लेके आते हैं पहले बाद में जब भी, तो साथ में श्रम भी है अपना काम, और भी अपना काम काज करना सो काम करो। तो यह निर्जरा जितनी हो जाए, अपनी निर्जरा होती रहे, कर्म कटते रहें, अपने छोटे मोटे काम खुद अपना कर लिया। तो एक आचार्य जी थे, तो कोई श्रावक कोई गया अपने संग के नहीं, दूसरे कोई आचार्य जी की बात है, तो वे आचार्य जी कोई कपड़ा धो रहे थे, जैसे कोई छोटा मोटा कपड़ा ऐसा धो रहे थे, तो वो श्रावक या गृहस्थ गया कि आचार्य जी आप तो आचार्य है ना, आप ये धोने का काम आप करते हो क्या? तो आचार्य जी ने उत्तर बड़ा अच्छा दिया कि श्रावक जी मैं मारी निर्जरा क्यों छोड़ूं, मारो काम खुद ही कर लियो। तो वो खुद अपना काम कर रहे थे, हालांकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियां होती है, कभी कभी और भी कोई स्थिति हो सकती है, परंतु निर्जरा की भावना होना वो अच्छी बात, मैं हमारी निर्जरा दूसरा ने क्यों दियो, मारो काम खुद ही कर लो, क्यों दूसरा ने मैं कसूँ तो मने लाभ मिलसी, मारे कर्म कर सी और देसूँ, वहाँ पर लोड पड़ सी, वहाँ पर तो आ गई काम और काम बढ़ गयो, तो मैं तो फ्री रह गयो काम सू, वहाँ मैं ज़्यादा काम आ गयो तो मैं खुद ही थोड़ा काम कर लूँ, तो मारे निर्जरा हुए और पर मारा भार भी घड़ों को नहीं पड़ो। तो यानी बात बात में निर्जरा, मेरे निर्जरा कैसे हो, इसलिए अपना काम दूसरों पर क्यों छोड़ें, जितना अनुकूलता औचित्य है
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है तो अपना काम दूसरों पर क्यों छोड़ें, क्यों दूसरों पर भार ला दें हमारे काम का। तो इसलिए अपना जितना परावलंबन से आदमी बचे, अपना काम दूसरों पर क्यों डालें, परावलंबन से बचे, खुद का हाथ हिलता रहे। तो निर्जरा की बात भी, साथ में अपने थोड़ी शरीर भी कुछ रक्त संचार जो भी को भी ठीक होता रहे। तो आदमी साधु लोग हैं, अपना जितना सामान्य काम औचित्य है तो अपना काम खुद कर लिया तो दूसरों पर भार कम पड़ा, खुद के निर्जरा का लाभ और भी कुछ ठीक रह सकता है। तो जो आगम में बताया गया है कि ये जो हैं जो अकाम निर्जरा करते हैं, असंयमी हैं, अव्रति हैं, मिथ्यात्वी हैं, वे भी अकाम निर्जरा के द्वारा बाण मंत्र देव में पैदा होने का आयुष्य बंद कर सकते हैं।